हेलो स्टूडेंट्स, हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। फिफ्थ क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण। आज इलेवेंथ क्लास में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जो हम एक छोटे क्वेश्चन में याद करते आए थे प्रकाश संश्लेषण क्या है, हरे पेड़ पौधे लाइट सूर्य की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आज आप समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है, जो फोटोसिंथेसिस है, वो इतना छोटे टॉपिक नहीं है, अपने आप में काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है ये। उसे अच्छे से समझेंगे कैसे ग्रीन प्लांट्स लाइट को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नाम से ही पता चलता है फोटो, फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट की प्रेजेंस में कुछ सिंथेसिस होने जा रहा है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज। जो कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स। कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स। इन ग्रीन प्लांट्स को, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस करते हैं, क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये जो लाइट है, ये बेटा सन्स की लाइट है, सूर्य की रोशनी, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस पूरे अर्थ पर जो हमें अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रही है वो सनलाइट ही है, और उसे गेन जो अच्छी तरीके से कर रहे हैं और जिस पे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, वो वास्तव में कौन है, प्रोड्यूसर। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई इन सारी बातों से कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी हमें नहीं मिलेगा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें नहीं मिलेगा, हमें फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं किस पर, प्रोड्यूसर पर। तो हम क्या हुए बेटा, कंज्यूमर। क्या हुए, कंज्यूमर। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए इन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो बात यह आती है कि ये कैसे सन की लाइट को लेकर के और ग्लूकोज की प्रोसेस, ग्लूकोज फूड को प्रिपेयर करती हैं। ये करती हैं बेटा फोटोनिक एनर्जी। जो सन की लाइट है उसे क्या कहेंगे हम, फोटोनिक एनर्जी। फोटोनिक एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी को ग्लूकोज बना रही है, यानी कि कन्वर्ट कर रहे हैं कि इसमें केमिकल एनर्जी में। आप केमिस्ट्री में एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है वो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। यही हो रहा है यहाँ पे, सनलाइट फोटोनिक एनर्जी जिसका यूज कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। तो ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रूल को फॉलो करता है। अब बात आती है कि कौन सी सेल्स ये फंक्शन परफॉर्म करती है। तो बेटा ये हमारा प्लांट है, इस पे ये लीव्स हैं, ये पार्ट हमारा शूट सिस्टम कहलाएगा, ये पार्ट जो बिलो द सोइल है, ये पार्ट हमारा रूट सिस्टम कहलाएगा। यहाँ पर फ्लावर भी लगेंगे, फ्रूट भी लगेगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो लाइट को कैप्चर करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा और फूड की सिंथेसिस करेगा, फोटोनिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देगा, और जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। क्या फ्लावर करेगा ऐसा काम, क्या शूट सिस्टम में स्टेम करेगी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं जिसको, कि कौन करेगा, लीव्स करेंगे। अब लीफ में कौन सी ऐसी सेल है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है, वो पढ़ेंगे हम, समझेंगे इस चैप्टर को अच्छे से। तो लीफ करेगी बेटा फोटोसिंथेसिस का काम। लीफ
लीफ बना लेते हैं हम, ये लीफ है, लीफ, ठीक है। तो लीफ करती है बेटा फोटोसिंथेसिस का काम। अब हमें पता है हर एक के अंदर सेल्स बेसिक यूनिट है, तो लीफ की भी सेल्स होती हैं बेटा जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। उस सेल को, जो लीफ की सेल होती हैं, क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल। क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल, जो लीफ यानी कि फोटोसिंथेसिस का काम करती है, फोटोनिक एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो आज हम अच्छे से समझेंगे कि लीफ के अंदर ऐसे कौन सा पार्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाइट को ट्रैप करती है और फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो आज रहेगा हमारा लीफ के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि उसमें कौन सी सेल होती है जो फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करती है। मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में बेटा ये जो दिखाई दे रहा है आपको पूरा बेस, जो बेस है डार्क कलर का, ये कहलाएगा पूरा पार्ट, क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। क्या कहलाएगा ये बेटा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। ये जो पूरा पार्ट है ये क्या कहलाएगा बेटा, स्ट्रोमा। अब ये एक सेल है, इसमें अदर ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट होगी, आपको पता है सेल में डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, क्योंकि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है तो इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, हमें पता है 70S 80S राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर 70S और यूकैरियोट के अंदर 80S। नहीं भी पता है तो हम साइटोलॉजी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इसको कि सेल के अंदर क्या कुछ होता है। अब बात आती है मेन बात जो है हमारी, वो यहाँ पे आके अटकी हुई है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से मेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेटा ये पार्ट समझ लिया आपने, पूरा जो फिल होता है मीजोफिल सेल में वो स्ट्रोमा कहलाता है। अब आता है कि इस मीजोफिल सेल में डिस्क लाइक या यू कह सकते हो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, इस तरह से एक क्वाइन के ऊपर दूसरा क्वाइन रखा हुआ होता है, इस तरह से काफ़ी सारी स्ट्रक्चर होती हैं, ये इस तरह से, एक क्वाइन के ऊपर दूसरा क्वाइन रखा हुआ होता है। तो ये एक क्वाइन तो क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, थाइक्लोइड, थाइक्लोइड, थाइक्लोइड। और जब ये पूरे इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पूरी, तो वो क्या कहलाता है बेटा, ग्रेनम, ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना, क्या कहलाएगा, प्लूरल ग्रेना। और ये एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होते हैं, इस तरह से, ये कनेक्शन क्या कहलाती है बेटा, स्ट्रोमल लैमिली, स्ट्रोमल लैमिली, स्ट्रोमल लैमिली। इतनी बात समझ में आई। ये दोनों पार्ट मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये जो फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है, फोटोसिंथेसिस अपने आप में काफ़ी ब्रॉड प्रोसेस है, ये टू स्टेप में कंप्लीट होता है बेटा फोटोसिंथेसिस, एक लाइट रिएक्शन, सेकंड डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इन टू स्टेप को कंप्लीट किया जाता है तब जाकर के फोटोसिंथेसिस होता है, फूड प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज बनती है। तो इसमें ये स्ट्रक्चर, लीफ की स्ट्रक्चर, लीफ की सेल जिसे मीजोफिल सेल कहते हैं, इसमें ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होती है और ये जो स्पेस को फिल कर रहा है, पूरी सेल के स्पेस को फिल कर रहा है, एक जेल लाइक मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और ये जो डिस्क शेप है, क्वाइन शेप है, वन क्वाइन थाइक्लोइड कहलाता है। और जब ये
पाइल और एक पूरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो क्या कहलाता है? ग्रेनम, प्लूरल ग्रेनम। ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। तो दो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, दो रिएक्शन। तो नीट के अंदर आता है, नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। बेटा कई बार रिपीट हुआ है नीट के अंदर ये कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। तो लाइट रिएक्शन होती है थाइक्लोइड में, थाइक्लोइड में। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइक्लोइड में, थाइक्लोइड। और डार्क रिएक्शन होती है बेटा ये जो डार्क स्पेस है पूरा नीचे का, इसमें, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करता है बेटा? डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन कौन करता है? ये ग्रेना और थाइक्लोइड। कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करता है? लाइट रिएक्शन। तो ये दो स्टेप के अंदर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट हम करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट रिएक्शन। सेकंड करेंगे डार्क रिएक्शन। क्या है ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन? बेटा ये लाइट रिएक्शन थाइक्लोइड में परफॉर्म होती है क्योंकि ये सन की लाइट की हेल्प से होती है। तो सन की लाइट की हेल्प से होती है तो थाइक्लोइड में क्या प्रेजेंट है? लाइट कैप्चरिंग पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसमें, क्लोरोफिल। तो थाइक्लोइड के अंदर बहुत सारे फिल हैं। क्या फिल हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? किसकी वजह से ग्रीन कलर के होते हैं? एक पिगमेंट की वजह से, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, फोटोन पार्टिकल को कैप्चर करते हैं और लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। स्ट्रोमा, इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है बेटा कि इसको लाइट की जरूरत नहीं है। डार्क इसीलिए बोल दिया कि आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। ये पूरी तरह से डिपेंड होता है इन पर, लाइट रिएक्शन पर, तभी जा करके डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो हम डार्क रिएक्शन से ये नहीं समझेंगे कि डार्क का मतलब ये डार्कनेस में होती है और ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। समझते हैं इसको, क्या है ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन डिटेल करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम समझेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या होती है और डार्क रिएक्शन क्या होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है बेटा? लोकेशन बताइए अभी आपको, थाइक्लोइड में, थाइक्लोइड में, थाइक्लोइड्स में, ठीक है, थाइक्लोइड्स में। और कह सकते हैं आप, मान लो नीट में जो एमसीक्यू आता है उसमें ऑप्शन ना मिले थाइक्लोइड का, मिल जाए ग्रेनम या ग्रेना, तो ग्रेना में याद कर लेंगे बेटा इसको, टीएलसी, लाइट रिएक्शन थाइक्लोइड में। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्ट्रोमा, डार्क कलर का जो फिल है उसमें क्या हो रही है? डार्क रिएक्शन, ब्लैक कलर का है ये, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद कर सकते हो। मैंने ऐसे याद किया हुआ है थाइक्लोइड, TL, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब आती है बात लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है। बेटा लाइट रिएक्शन, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ते हैं, मीजोफिल सेल में एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और वो क्या रखता है? ATP।
एटीपी को कभी हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एटीपी आपकी आंत बनती है और फिर यूज हो जाती है किस रिएक्शन में, CO2 को फिक्स करने में। तो लाइट रिएक्शन क्या करती है, लाइट फोटोन पार्टिकल कैप्चर होते हैं, एनर्जी मिलती है लाइट में, हमें क्या मिलती है एनर्जी, और किसकी सिंथेसिस होती है एटीपी की और एनएडीपी की, इन दो की सिंथेसिस होती है एटीपी की और एनएडीपी की, ठीक है, एनएडीपी की, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट एडेनिन ट्राइफोस्फेट, जो CO2 को फिक्स करने का काम करेगी दूसरी रिएक्शन में। यहाँ क्या होगा बेटा डार्क रिएक्शन में, 6 CO2 प्लस 6 H2O और क्या बना देंगे हम, ग्लूकोज, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स कर दिया ग्लूकोज में, तो ये बिना एनर्जी के हो जाएगा, नहीं, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से आई, लाइट रिएक्शन से। तो अब आप ये कह दोगे कि डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट होती है लाइट के, नहीं, ये रिएक्शन पूरी तरह से डिपेंड करती है इस पे। क्या एनर्जी नहीं बनेगी तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, नहीं। क्या फोटोसिंथेसिस या ग्लूकोज रात में बनता है, नहीं, ठीक है। बस इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टर्म यूज की गई है कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है और डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्स होती है और ग्लूकोज बन जाती है, ठीक है। तो समझ में आया आपको लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है, ये इतना सा ही नहीं है। लाइट रिएक्शन में अभी हमें बहुत डिटेल पढ़नी है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है बेटा। तो बात आती है कि ये जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से आई, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे, अभी ग्लूकोज को तोड़ेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं, तो हम तो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, बट प्लांट क्या करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ही यूज कर लेते हैं, पहला, ठीक है। सेकेंडली वो एटमॉस्फेयर से भी ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से भी ले लेते हैं, वाटर सोइल से ले लेते हैं, वाटर सोइल से ले लेते हैं, फिर सनलाइट, सनलाइट का पता ही है आपको, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल हेल्प करती है इसकी, और क्या बन जाता है ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनएडीपीएच। समझ में आया इतना, ठीक है। तो ये कहलाती है बेटा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम इसे डिटेल में कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, कौन से पिगमेंट होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट जो हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल ए तो है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पिगमेंट, इसके अलावा कुछ और एक्सेसरी पिगमेंट भी होते हैं, और कौन सी लाइट होती है विजिबल रेज की, कौन सी लाइट होती है जो फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को बेटर परफॉर्म करती है। थैंक यू।